बहनों, ये रत्नागिरी तिलक महाराज का भी जन्मभूमि है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने शिवाजी के बाद पहली बार कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और अंग्रेजों को ललकारने का काम तिलक महाराज ने किया। यही भूमि है जहां 2 साल वीर सावरकर ने जेल में बिताए, और उसके बाद में 13 साल तक रत्नागिरी में रहकर हिंदुत्व की अलग सावरकर जी जगाते रहे। और यही भूमि है जहां 2-2 भारत रत्न बाहर आए हैं, श्री पीवी काणे और धोंडो केशव कर्वे जी। ये दोनों ने भारत में इस भूमि को बहुत सम्मान दिलाने का काम किया है। भाइयों बहनों, मैं आज रत्नागिरी सिंधुदुर्ग में आया हूं, तब मैं इतना कहना चाहता हूं कि आज क्या ये नकली सेना के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे वीर सावरकर जी का नाम अपने भाषण में लेने का हिम्मत कर सकते हैं क्या? बोलिए, कर सकते हैं क्या? अगर सावरकर का नाम लेने से शर्म आती है तो काय की शिवसेना के अध्यक्ष हो उद्धव जी, आप नकली शिवसेना चला रहे हो। असली शिवसेना एकनाथ शिंदे के साथ। भाई और बहनों, ये चुनाव जो है मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव, श्रीमान राणे के सामने कमल के निशान पर आप बटन दबाएंगे और राणे जी को वोट दोगे, एक एक वोट मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम है। भाई और बहनों, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मत है, मतलब है देश को समृद्ध करना। मोदी जी 10 साल से मनमोहन सिंह 11वें नंबर पे हमारे अर्थतंत्र को छोड़कर गए थे, मोदी जी 5वें नंबर पर लाए। मैं आज एक मोदी गारंटी बताकर जाता हूं, आप तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो, भारत के अर्थतंत्र को संसार में तीसरे नंबर पर मिल। भाइयों बहनों, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है देश को सुरक्षित बनाना। मुझे बताओ रत्नागिरी सिंधुदुर्ग वालों, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? कश्मीर हमारा है, मगर एक खड़गे साहब कहते हैं राजस्थान और महाराष्ट्र वालों का कश्मीर से क्या लेन देन? अरे खड़गे साहब, आप 80 पार की आयु पार कर गए, मगर रत्नागिरी सिंधुदुर्ग वाले को जान नहीं पाए। रत्नागिरी सिंधुदुर्ग का बच्चा बच्चा कश्मीर के लिए अपनी जान दे सकता है, जान दे सकता। भाई और बहनों, मुझे बताइए, कश्मीर से धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? जोर से बोलिए, हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? 70 साल से इस शरद पवार एंड कंपनी, कांग्रेस एंड कंपनी, जिनकी गोदी में उद्धव जी बैठे हैं, वो 70 साल से धारा 370 को एक अनाथ बच्चे की तरह गोद में बिठाकर खिलाते थे। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया, 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर दिया, और कश्मीर हमेशा के लिए भारत के साथ। उस वक्त मैं उद्धव जी को पूछना चाहता हूं, आप जिनके साथ मुख्यमंत्री बनने के लिए जिनकी चरण में पड़े, जिनके पैर में पड़े,
वो कांग्रेस पार्टी और शरद पवार क्या कर रहे थे? वो कांग्रेस पार्टी और शरद पवार धारा 370 हटाने का विरोध कर रहे थे। भाई और बहनों, राहुल बाबा पार्लियामेंट में खड़े हुए और उन्होंने कहा 370 मत हटाइए। मैंने कहा क्यों ना हटाए? तो उन्होंने कहा कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी। अरे राहुल बाबा, 5 साल हो गए, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है। कंकर चलाने, ये नरेंद्र मोदी सरकार है। कश्मीर के अंदर लाल चौक पर जाना दुष्कर था, आज लाल चौक पर कृष्ण जन्माष्टमी का जुलूस आन बान और शान के साथ निकल रहा है। भाई और बहनों, मैं आज उद्धव जी को पूछना चाहता हूं। उद्धव जी, महाराष्ट्र की जनता के सामने, बाला साहब के अनुयायियों के सामने स्पष्ट कर दो, आपको मुख्यमंत्री पद चाहिए या धारा 370 के संरक्षक कांग्रेस और एनसीपी चाहिए? और आपको भी तय करना है भाइयों बहनों, जो अपनी गद्दी संभालने के लिए, गद्दी प्राप्त करने के लिए शरद पवार और राहुल गांधी के शरण में जाए, वो महाराष्ट्र का गौरव नहीं संभाल सकते, महाराष्ट्र का गौरव नहीं संभाल सकते। भाइयों बहनों, 10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार चली इस देश में, आए दिन पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया घुस जाते थे, बम धमाके करते थे, चले जाते थे। मौनी बाबा मनमोहन सिंह मौन लगाकर दिल्ली में बैठे रहे, क्योंकि उनकी वोट बैंक की उनको चिंता थी। वोट बैंक की, उनकी वोट बैंक कौन है मालूम है ना आपको? मालूम है या नहीं है कांग्रेस की वोट बैंक कौन है? मालूम है या नहीं है? भाइयों बहनों, आपने मोदी जी को 14 में प्रधानमंत्री बनाया, उरी और पुलवामा में पाकिस्तान के आतंकवादियों ने हमला किया, 10 ही दिन में